हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नोकिया 7 के बारे में, द लेटेस्ट फोन ऑफ नोकिया। नोकिया 7 31 अगस्त को इंडिया में रिलीज़ होगा। अगर आपको जानना है कि आपको ये फ़ोन ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की। चलो देखते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन ऑक्टाकोर 2.5 गीगाहर्ट्ज़ का, जो काफ़ी अच्छा है गेमिंग के लिए। अगर आप गेमिंग के लिए ये फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। आप इस पर सैनएंड्रियास वगैरह जैसी गेम खेल सकते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो 5.5 इंच की आपको स्क्रीन मिल जाती है। 1080x1920 पिक्सल है, जो कि फुल HD रेजोल्यूशन है। गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्टेड स्क्रीन भी मिलती है आपको। कैमरा की बात करें तो आप देख सकते हैं दिखने में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यूनिक लेंस है और 16 मेगापिक्सल का कैमरा है ये, फिर डुअल फ्लैश। और इसका सेल्फी कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, तो काफ़ी अच्छी सेल्फी ले सकता है। चलो अब बात करते हैं इसकी मेमोरीज पे। इस फ़ोन में 64 GB इंटरनल स्टोरेज है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको ये भी कम लगती है तो आप इसे एक्सपेंड भी कर सकते 250 GB तक बाय मेमोरी कार्ड और OTG केबल विथ पेन ड्राइव। स्टोरेज के बारे में काफ़ी अच्छा साबित हुआ है नोकिया 7। अब बात करते हैं रैम के बारे में। 4 GB रैम है इसमें, मल्टीटास्किंग के लिए बहुत अच्छा है और आप इजीली स्वाइप कर सकते हैं बिटवीन मैनी ऐप्स। एंड्रॉयड वर्जन 7.0 नगेट मिलता है आपको। आप इसे अपडेट भी कर सकते हैं 7.1.1 के लिए, जो कि लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन है इस वक्त। अब इसकी बात करते हैं बैटरी के बारे में। बैटरी इसकी 3000 mAh की है विद टर्बो चार्ज। बैटरी मुझे लगता है कि इसकी कम पड़ेगी, क्योंकि इसका प्रोसेसर जो है वो बहुत हैवी है, तो इसका एक माइनस पॉइंट ये हो सकता है इस फ़ोन का। अब बात करते हैं इसके सेंसर्स के बारे में। इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, फिंगरप्रिंट सेंसर है और गायरोस्कोप है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर से आप फोन को टच के बिना काफ़ी ऑपरेशन कर सकते हैं और गायरोस्कोप आपके GPS में हेल्प करता है। नोकिया 7 डुअल सिम है और दोनों ही सिम 4G सपोर्टेड है, जो कि काफ़ी कॉमन फीचर है। फाइनली बात करते हैं इसके प्राइस की। प्राइस इसका भी रिवील नहीं हुआ है। जो एक्सपेक्टेड प्राइस है इसका वो है 7900, और मुझे लगता है ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है इस प्राइस में। और नोकिया एक ट्रस्टेड ब्रांड है, तो मुझे लगता है आपको इसे ज़रूर एक ट्राई देना चाहिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।